हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं जो जेसीबी के जो टायर है, तो टायर में दोस्तों हवा कितना रहता है और कितना रहना चाहिए। तो दोस्तों, काफी सारा ऑपरेटर लोगों को डाउट होता है कि जो जेसीबी के जो आगे वाला टायर है उसमें हवा कितना रहता है और पीछे वाला टायर में हवा कितना रहता है। तो कभी कभी क्या था दोस्तों, जब भी कोई ऑपरेटर लोग जेसीबी की जो टायर पंचर होते हैं, तो पंचर बनाते समय उसमें हवा कितना डालना चाहिए, ये उन लोग का मन में डाउट रहता है। तो आज इसी डाउट को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए। चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जेसीबी के जो आगे वाले टायर है उसमें आपका हवा रहना चाहिए दोस्तों 60 से 65, और जो पीछे वाले टायर है पीछे वाले में आपका रखना चाहिए 40 से 45। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप इससे ज्यादा हवा डालोगे टायर में तो आपका क्या होगा, टायर बहुत हार्ड रहेगा। तो हार्ड रहने से क्या होगा दोस्तों, जब भी आप मशीन को लेकर कहीं पर जाओगी, अगर आपका टायर कभी गड्ढा उड्ढा में गिरे तो उस समय क्या होता है दोस्तों, आपका मशीन में बहुत झटका लगेगा हवा ज्यादा होने की वजह से। तो झटका लगने से आपका मशीन दोस्तों कहीं पे भी क्रैक हो सकता है। तो इसीलिए ज्यादा हवा मत डालिए, कम से कम सामने वाला टायर में कम से कम 60 डालिए, और जो पीछे वाला टायर है उसमें आप 40 डालिए, एकदम बेस्ट रहेगा और आपका मशीन भी अच्छा चलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके का जेसीबी का जानकारी वीडियो अगर आप पसंद करते हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चले दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में।